सिंपल चीज भाई जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को थोड़े से आप लोगों को ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है। अब भाई इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो इसके रिजल्ट्स भाई आप लोग देख रहे हो, फेस वॉश, फेस सीरम, कुछ भी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, दो इंग्रेडिएंट आप लोगों को हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो रेटिन। हे दोस्तों कैसे हो, तो मैं तुम्हारा भाई और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कोरियन स्किन केयर सीक्रेट के बारे में, उनका स्किन केयर रूटीन। तो देखो पूरा हम लोग नेचुरल वे में देखेंगे जो तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट चीज होने वाली है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस करो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो वहां पे मैं बहुत से रील्स बना रहा हूं, तो आप लोग को वो जरूर हेल्पफुल होने वाले। सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दो, अगर आप लोग को पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कभी भी हुई या फिर अभी भी हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसके ऊपर भी तुम्हारा भाई प्रॉपर वीडियो बनाएगा। अब अगर आप लोगों ने कोरियंस की स्किन देखी तो वो कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है, क्लियर होती है। तो देखो सबसे पहले तो ना वो अपने स्किन के रूटीन में क्लींजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो वो है क्लींजिंग की। अगर आप लोग कोई भी क्लींजिंग वाला प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है, जिससे मतलब जेंटल क्लींजर होगा वो, तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, वो स्पेशली ऑयल बेस्ड होना चाहिए। अगर आप लोग के पास नहीं है, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो, तो आप लोग घर पे ही इसको बना सकते हो। सिंपली आप लोग को एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। देखो आप लोग को वो जो मतलब नॉर्मल बालों में लगाने वाला होता है ना, तो उसको यूज नहीं करना है। आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लोगे तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। उसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आप लोगों को अपने हाथों से प्रॉपरली सर्कुलर मोशन में उसको पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद ना आप लोग को एक टॉवेल लेना है, टॉवेल को आप लोग को हॉट वाटर में डिप करना है। उसके बाद उसका मतलब सारा जो कुछ वाटर है एक्स्ट्रा वाटर, तो उसको निचोड़ के मतलब निकाल लेना है और हॉट वाटर को अपने फेस के ऊपर मतलब रखना है वैसी, जब तक वो अच्छे से मतलब 5-10 मिनट सूख ना जाए, और पूरे फेस के ऊपर जितना भी ऑयल है ना तो उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है उस टॉवेल से। भाई इसके अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट बहुत ही सारे, जितना भी कुछ भी डस्ट पार्टिकल होगा ना तो वो सारा कुछ रिमूव होने वाले। और ये चीज ना भाई कोरियन अपने स्किन केयर रूटीन में जरूर फॉलो करते हैं। नंबर 2 है वो है स्क्रबिंग को लेके। अब देखो स्क्रब तो वैसे तो हम लोग मतलब प्रोडक्ट वाला यूज करते हैं, बट आप लोगों ने उसके इंग्रेडिएंट देखे होंगे तो उसके अंदर होते हैं बहुत सारे केमिकल्स। सर जो कोरियन स्किन केयर का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है ना, तो वो होता है राइस। अब यार आप लोग सोचे कि राइस को क्या खाना है, तो यार मेरे भाई राइस को खाना नहीं, तो आप लोग को राइस को अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। आप लोग को सिंपली राइस लेना है, उसको मतलब प्रॉपरली आप लोग को मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। तो जैसे वो मतलब बहुत ही छोटे छोटे पीसेस बन जाएगी, उसके बाद उसके अंदर आप लोग को नेचुरल एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसको ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी मतलब नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है एलोवेरा जेल वाला, तो उसको यूज कर सकते हो। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करना और आप लोगों को अपने फेस के ऊपर अच्छे से मतलब उसको स्क्रब करना है। मेरे भाई जो इसके रिजल्ट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। नंबर 3 है वो है फेस मसाज क्रीम। देखो इसको भी बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है और इसके बेनिफिट्स तो है ही, साथ ही में इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने मिलेंगे। सिंपली आप लोग राइस को कुक कर लेना, जैसे हम लोग नॉर्मली मतलब जो खाते हैं, तो उस राइस को आप लोगों को ना थोड़ा सा लेना है, साथ ही में उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा मिल्क को ऐड करना है। अच्छे से उसको प्रॉपरली मिक्सर में घुमा लेना, जैसे आप लोग घुमाओगे आप लोगों को एक स्मूथ सा व्हाइट पेस्ट मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, या फिर आप लोग ऐसे ही उसको यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस क्रीम को लेकर ना अपने फेस के ऊपर अच्छे से पूरे फेस के ऊपर मसाज करना है, नेक के ऊपर मसाज करना है, और मेरे भाई जैसे 20 से 30 मिनट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोग को ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है। और भाई इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो इसके रिजल्ट्स भाई आप लोग देख रहे हो काफी ज्यादा हद तक सही है। तो बहुत बार हम लोग ये सब कुछ नहीं करते, और इवन भाई मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि भाई ये सब कुछ बनाना फिर फेस पे लगाना भाई बहुत सारा मतलब झंझट होता है। तो एक सिंपल चीज भाई जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को थोड़े से राइस लेने, एक वाटर के अंदर उसको ऐड करना है, और 24 आवर मतलब समझ लो अगर आप लोगों ने मतलब नॉर्मली मॉर्निंग में रख दिए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों को उसको लेना है, और आप लोगों को क्या करना है एक स्प्रे वाला बॉटल लेना है, और जो कुछ भी राइस का जो बचा हुआ वाटर होगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो उस वाटर को ना आप लोग को स्प्रे वाले बॉटल में ऐड कर लेना है, या फिर अगर आप लोग के पास बॉटल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो जो राइस का जो वाटर है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और भाई ये सिंपल है भाई, इसको तो आप लोग को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो देखो आप लोग को नॉर्मली कॉटन पैड लेना और अपने फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करना है, या फिर उससे आप लोग अपने फेस को धो भी सकते हो अच्छे से। मेरे पास स्प्रे बॉटल मिल जाए ना तो भाई काम आप लोगों का बहुत ज्यादा सही होने वाला है। अगर थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो जो राइस वाटर होगा ना तो उसको आप लोग को ट्रे लेना, और ट्रे के अंदर पूरा फिल करके उसको फ्रीज के अंदर रख देना है, और जैसे ही वो मतलब फ्रीज हो जाएगा तो आप लोग को वो क्यूब निकालना और अपने फेस के ऊपर प्रॉपरली सर्कुलर मोशन में उसको घुमाते रहना है। इस समर में तो आप लोग को बहुत ही उसके मतलब बेस्ट रिजल्ट्स मिलने वाले, और आप लोग की स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। अब चलो ये सारी बातें तो हुई नेचुरल तरीका, बट अगर आप लोग फेस वॉश, फेस सीरम, कुछ भी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग के पास पैसे है तो अगर आप लोग अच्छे प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो, दो इंग्रेडिएंट आप लोग को हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो रेटिनॉल बेस्ड जो फेस सीरम्स होते हैं, फेस वॉश होते हैं, तो उसको यूज करना चाहिए। नंबर है वो है हाइलोरोनिक एसिड, जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट चीज होती है, जो रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती है, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, साथ ही में स्किन को ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूं डाइट
डाइट की तो देखो कोरियंस को तो रहने दो, बट ये चीज आप लोगों को जरूर फॉलो करनी है। नंबर वन, आप लोगों को ग्रीन टी को पीना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर ऐसे बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सही होती है। साथ ही में जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो इनको आज से ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। जो बीट हो गया, फिर जो कैरेट जूस होता है, वो बहुत ही ज्यादा सही चीज है मेरे भाई। इसमें ओमेगा 3 जो रिच फूड होते हैं मेरे भाई, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता, मतलब बहुत सारे मॉडल्स यूज करते हैं बट वो बताते नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें सीक्रेट होती है। तो ओमेगा 3 को भी आज से जरूर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। तो अगर तुम लोग आज का वीडियो पसंद आएगा, तो अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।